ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप लोग जाओ, मैं उनका यही वेट करती हूँ। उनका भी तो ग्रैंड वेलकम करना है ना। लो बताओ, मैं भी पूछते पूछते रह गई, नमन कहाँ है बेटा? मुझे लगता है बाहर करिश्मा से मिला होगा, वही बात कर रहे होंगे दोनों। वैसे आया तो तुम्हारे साथ ही है ना। पर वो कब आएंगे, कितनी देर लगेगी? नहीं, वो नमन को कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आ जाएगा वो भी। अब कौन सा जरूरी काम आ गया? अब बताओ। हाँ, चाचू कहाँ रह गए? अंदर चलिए, बताते हैं। कुछ गड़बड़ है ना? मुझे पता है, मैंने टीवी में देखा है। ऐसा तभी होता है जब कोई बड़ी बात छुपाई जाती है। इसी, इसीलिए तुमसे कहते हैं ज़्यादा टीवी मत देखा करो दादी अम्मा, राई का पहाड़ बना देती है। चल अंदर। आप दीजिए, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ नैतिक को। पॉसिबल है। सच्ची में मम्मा, अच्छा सीन है। जब पापा आएंगे तो फिर से वही सीन दोबारा हो। मिष्टी, आप मेरे साथ एक मिनट के लिए चलो ना प्लीज। मुझे आपसे ज्यूरिक के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। एक मिनट बीएफएफ, रुक जाना। जब पापा आएंगे तो फिर। नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता पापा के आने तक का। प्लीज, आप मेरे साथ अभी चलो ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलो। ठीक है, करिश्मा, क्या हुआ? ये सब क्या था? ये सब छोड़िए मॉम, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं? इसी आदमी को हलवा खिला रही है जिसने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। ये तुम क्या बोल रही हो करिश्मा? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ, बट आई एम श्योर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा, इसलिए इन्हीं से पूछे ना कि सच क्या है। मुन्ना, बहू, क्या ये सच है? कह दो कि करिश्मा के कहने में कोई सच्चाई नहीं है।
बोलो बच्चों, बोलो, कह दो कि ये झूठ है। बाऊजी ये सच है। जी बाऊजी है, ये सच है, नमन जेल में। क्या किया नमन ने? नमन ने नैतिक की जान लेने की कोशिश की। छोटी मां, मैं आपसे कितनी भी माफी मांगू वो कम है। आप बताइए मैं क्या करता, मैं उसे माफ कैसे करता? उसने सिर्फ मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की, उसने मेरी बीवी, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली को मुझसे दूर करने की कोशिश की। करिश्मा देखो, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह जायज है, लेकिन जो नमन ने मेरे पति के साथ किया ना, वो जायज नहीं है। उसने सिर्फ मेरे पति का ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते के मान का खून करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी। उसके लिए अगर I'm sorry, पर उसके लिए अगर तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी तो ठीक है। नमन, अंकल आंटी, आप भाभी से बोलिए ना कि मुझे माफ कर दे प्लीज, वो आपकी बात सुनेंगे, प्लीज प्लीज बोलिए ना। भाभी माँ, बाऊजी बाऊजी, आप बोलिए ना प्लीज, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज भाभी। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए मॉम, मॉम प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपसे मॉम, पैर पड़ता हूँ आपके मॉम, प्लीज मुझे बचा लीजिए मॉम प्लीज। तुम्हारी वजह से सौतेला शब्द गाली बनकर रह गया नमन, जेल जाओगे तुम पर सजा भुगतेगी तुम्हारी माँ, चार दीवारी में अकेले रहोगे तुम पर, या सबके बीच रहकर किसी से आंखें मिलाने के लायक नहीं रहेगी तुम्हारी माँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था, मैं मॉम बहक गया था लालच में, लेकिन आप इन सबसे कहिए ना, मुझे एक मौका और दी दीजिए प्लीज, प्लीज मॉम बचा लीजिए ना मुझे प्लीज। मुझे खुद तुम पे भरोसा नहीं है नमन, तो किसी और से क्या कहूँगी तुम्हें एक मौका दे, और कितने मौके लोगे तुम और कितने पाप करोगे नमन। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इंसान का खून करने की क्या सजा है ये कानून जानता है, से ना मिले पर रिश्तों का खून करने की सजा इसे जरूर मिलेगी। इसे ले जाइए। मॉम मॉम प्लीज, एक मौका और, मॉम 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 प्लीज, इन्हें बोलिए ना मुझे नहीं ले जाए, मॉम मॉम एक आखिरी मौका दे दीजिए मॉम। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन जेल मत दीजिए प्लीज भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज मेरी बात मान ली प्लीज। मिष्टी, मिष्टी का मुझे मेरी बेटी से मिलना। नहीं है वो तुम्हारी बेटी, मर गया उसका बाप। मॉम मॉम प्लीज,
है पापा, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे, मैं मम्मा सब लोग। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? और आप कहाँ जा रहे थे? और पुलिस हमारे घर में क्यों आई है? बोलो, काम खत्म नहीं हुआ आपका अभी? बताओ ना कहाँ जा रहे हो पापा? पापा ऑफिस के किसी काम से जा रहे हैं, इसीलिए पुलिस उनके साथ है। एक्चुअली ना ऑफिस में ना फैक्ट्री में चोरी हो गई है, तो पापा है ना तुम्हारे, वो चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद करेंगे, इसीलिए साथ जा रहे हैं। आप सच बोल रहे हो ताई जी? हाँ बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अब चलो, तुम जल्दी से पापा को जाने दोगी? नहीं तो चोर हाथ से छूट जाएगा ना। आप जाओ पापा, जल्दी आना। इस बार जब आप आओगे ना, तो आपको चेन से बांध के रखूंगी, और मैंने दादी को भी बोल दिया, वो भी आपको छुड़ाने नहीं आएंगे। अरे पापा, पहले सबको बाय तो करके जाओ। हाँ बाय बाय। ये वो फाइल्स जो आपने मंगाई थी। थैंक यू। सर, सर, सर क्या? सर, कितने खराब है ना नैतिक, मेरे मना करने के बाद भी चले गए। वैसे मैं भी कम खराब नहीं हूं, चले गए तो क्या हुआ, कुछ काम होगा इसीलिए गए हैं ना। और मैं हूं कि ऐसे भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते या फिर कम प्यार करते। लेकिन क्या वजह हो सकती है जो पता नहीं। अरे दवाई, ये दवाई किसकी और यहाँ कैसे आई? सर, सर, आप ठीक है ना सर? मैं घर पे कॉल करके बताऊं? नहीं, घर पे किसी को फोन मत करना, सब घबरा जाएंगे। मैंने अभी दवाई ली है, बस थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। आयुष हो? हाँ। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे, यू मस्ट टेल योर फैमिली। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा सर, चाहे आप मुझसे नाराज हो जाए, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, वो चलेगा, लेकिन मुझे किसी को बताना पड़ेगा। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम्हें जवाब चाहिए ना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल लिया ना, जो बोलना है मुझे बोलना है ना, तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम मुझे फोन नहीं करोगे। कार्तिक की भी टाइम, मुझे टाइम चाहिए कार्तिक, अकेले। सर, सर प्लीज सर। मैम
है। मैंने रिक्वेस्ट की थी ना कार्तिक तुमसे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम, तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है, है ना? तुम कर रहे हो कार्तिक ऐसा क्यों? तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, अंदर जाओ उनके पास। क्या क्या हुआ उन्हें? मैंने कहा ना अंदर जाओ। तब तक तुम्हारी चीजें संभालता रहूंगा ना यार, कभी तुम्हें भी पता नहीं कब समझोगी तुम। अब रिलैक्स पापा। इंटरनल इंजुरी हुई है लेकिन थैंकफुली बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, पर स्वेलिंग और दर्द तो जाते जाते ही जाएंगे। कुछ चीजों के लिए सावधानी रखनी होगी। झटके से बिल्कुल भी मत उठिए, ज्यादा वेट मत उठाइए, प्लीज आराम जरूर कीजिएगा। जी डॉक्टर। जैसा आज हुआ, दफ्तर में गिर गया था मुन्ना, वैसे वापस फिर से तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। शुक्र है मुन्ना के साथ कार्तिक था आज, इसलिए ले आया उसे घर, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मैं और कार्तिक इस अकेडमी को मिलकर नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम बस वहीं तक था। मैं अब तुम्हारी कोई और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। We should hire a consultant anyways. अभी भी जहां तक भी काम हुआ है, मुझे मैम ने गाइड किया हर स्टेप पे, तभी हुआ है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ नायरा, हमें सबकी थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ प्रिंसेस, अब अकेला कार्तिक कितना काम करेगा? उसे गायू के साथ जुरे का काम संभालना है, और फिर यहाँ ऑफिस का जो रेगुलर काम है वो तो उसे करना ही है, ओवरलोड हो जाएगा। हम किसी कंसल्टेंट को रख लेंगे। हाँ मुझसे नहीं होगा, वी नीड एन एक्सपर्ट। क्यों क्यों नहीं करोगे? बहुत बिजी हो ना, एटीट्यूड दिखा रहे, क्यों नहीं करोगे तो मेरा काम? बेटा नायरा, नायरा मैंने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब चीजों में। मैं नहीं मानती, कोई और रीजन है तो बोलो। और कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है, यू विल नीड एन एक्सपर्ट, कोई कंसल्टेंट हायर। पर दोस्त हो ना, दोस्ती के नाते तो कर सकते हो, और आज तक भी तो वही कर रहे थे ना, कभी मेरी हेल्प, कभी गायुदी की हेल्प, कभी मिश्री की हेल्प, तो अब क्यों नहीं? नायरा मैं, तुम समझते क्या अपने आप को? बदला ले रहे हो ना मुझसे? तुमने मुझसे कुछ कहा, मैंने तुम्हें मना कर दिया, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? मैं वैसा नहीं हूं, तुम मुझ पर चिल्लाई, मेरा काम करने से मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा इंसान नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं बस इतना कह रहा था कि जो बेसिक काम मुझे आता था वो मैंने कर दिया, अभी बाकी कोई भी काम हुआ तो उसके लिए तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत जरूरत है, जो तुम्हें लीगल मैटर में हेल्प कर सके, बस इतना ही कहना चाहता था मैं, और कुछ नहीं। हाँ सही कह रहा है वो। कार्तिक बेटा देखो, बुरा मत मानना नायरा की बातों का, हाँ वो बस थोड़ी गुस्से वाली है, जबान की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है, ऐसे गुस्से में बोल गई सब। हाँ नहीं, इट्स ओके, आई नो। प्रॉब्लम है, क्यों तुम हमेशा कार्तिक के साथ ऐसा बिहेव करती हो? हाँ वो मेरा दोस्त है गायुदी, और दोस्तों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना। दोस्तों का झगड़ा आपस में रहता है, इस तरह सबके सामने नहीं, और आज तो तुमने पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया नायरा। ज्यूरिख में भी ऐसा ही हुआ था ना, मैंने नोटिस किया था, और तब तुमने ही अपनी गलती मानी थी, वापस आने के टाइम भी तुम उसे उखड़ी उखड़ी थी, है ना? प्लीज दी, वो मेरा दोस्त है,
मेरी लड़ाई और मैं हैंडल कर लूं। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है, मेरे भी कुछ लगते हैं। आई मीन, हम सबका उनसे कोई ना कोई रिश्ता है, मेरा, मामा का, मामी का, मिश्ती का, पूरी फैमिली का, सबका। प्लीज नाय, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरी बहन हो तो मुझे बताओ क्या हुआ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। बोलो नायरा क्या हुआ, प्लीज। नहीं कुछ नहीं। ये रिश्ता क्या कहे?